भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ऐसे में देशवासी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जिन राज्यों के निवासी 50 साल से ज्यादा उम्र के और अन्य बीमारियां जैसे कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रसित है, उन्हें वैक्सीन के ज्यादा डोज की आवश्यकता है। साथ ही साथ आवश्यक कर्मचारी और पुलिस और उनको सबसे पहले वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। इसलिए तमिलनाडु को कम आबादी होने के बावजूद बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना में वैक्सीन की अधिक खुराक प्राप्त हो सकती है। बिहार की अनुमानित 12.3 करोड़ जनसंख्या तमिलनाडु की 7.6 करोड़ से लगभग 60% बड़ी है। बिहार में केवल 1.8 करोड़ लोग ही 50 साल और उससे अधिक उम्र के है, जबकि तमिलनाडु में यह संख्या 2 करोड़ है। बिहार जैसे युवा आबादी वाले राज्यों में अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों का अनुपात कम है। दूसरी ओर केरल में लगभग 30% जनसंख्या, लगभग 1 करोड़ लोग 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं और उनके मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित होने की आशंका है। इसी कारण राज्य के ज्यादातर नागरिक प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। सरकार 50 से अधिक आयु वर्ग में लगभग 19.5% लोगों का टीकाकरण करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि लगभग 50 साल की आयु वर्ग में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारी और 4 करोड़ मधुमेह रोगियों के अलावा लगभग 26.5 करोड़ लोग होंगे। इसलिए कोविड वैक्सीन के वितरण में बूढ़ी आबादी वाले राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश, जहां केवल 15% लोग 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उसे वैक्सीन का सबसे बड़ा शेयर दिया जाएगा क्योंकि राज्य की जनसंख्या ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां 50 से अधिक आयु के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। हालांकि जिस राज्य की सबसे ज्यादा आबादी को टीकाकरण की आवश्यकता है, उसमें केरल का पहला स्थान है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।